हेलो गाइस, ज्ञान पोर्टल अगेन बैक विद अवर CP31 सीरीज। और आज यार जो हम कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो है 800 डिवीजन की कवर इन वाटर। बेसिकली इसमें क्या है, और यार इसके सीरीज के साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जो है अपने इंटरव्यूज राउंड में, कोडिंग राउंड्स में हेल्प करेगा कि आखिर आपको अपना लॉजिक बिल्डिंग क्यों कैसे करना है। क्योंकि जब आप कंपनीज के देते हो तो यार वहाँ पे ऐसे ही आपको टेस्ट केसेस के साथ, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ आपको डील करना पड़ता है। तो कोड फोर्स इज बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे हिसाब से आपको इस पे जरूर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन इज फ्लिप हैज अ रो ऑफ सेल्स सम ऑफ विच आर ब्लॉक्ड एंड सम आर एम्प्टी। मतलब कुछ ब्लॉक्ड है और कुछ एम्प्टी है। एम्प्टी सेल्स, वी वॉन्ट ऑल द एम्प्टी सेल्स टू हैव अ वाटर। हम चाहते हैं कि जितने भी एम्प्टी सेल्स हो उसमें वाटर हो, और हम दो एक्शंस को डिस्पोज कर सकते हैं। फर्स्ट इज हम प्लेस कर सकते हैं वाटर को एम्प्टी सेल में, और सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एक सेल से अनदर एम्प्टी सेल में जो एडजेसेंट हो। इफ एट अ सेम मोमेंट सेल 2i(n-1) इज एम्प्टी, बोथ सेल i+1 and i-1 कंटेन्स द वाटर। यार बताऊंगा ये मैं आखिर ये चीज है क्या, इट बिकम्स फिल्ड विद द वाटर। ठीक है, फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही नीड टू परफॉर्म द एक्शन इन ऑर्डर टू फिल एन एम्प्टी सेल विद वाटर। हम चाहते हैं कि हम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में परफॉर्म करना चाहते हैं एक्शन को जिससे हम फिल कर सकें। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्लेस वाटर है ना, मतलब हम कम से कम में पानी डालें, हम रिमूव करके कर लें, या हम क्या करें i-1 में और i+1 में कंटेन कर देंगे तो i में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से कुछ हमें जो है क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, दीज आर अवर इनपुट्स टेस्ट केसेस। तो गाइस हम जो है थोड़ा सा समझते हैं इसको विद अवर टेस्ट केसेस। बेसिकली अगर हम टेस्ट केसेस को समझें तो टेस्ट केसेस हमें कहना क्या चाह रहे हैं, दिस इज अवर इनिशियल कॉन्फिग्रेशन। हम कहते हैं यार कुछ तो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड में तो हमें पानी नहीं डालना, जो हमारे एम्प्टी हैं अब उनमें हमें पानी डालना है। मैं कहता हूँ यार हमने सबसे पहले प्लेस करा थर्ड वाले में, देन हमने प्लेस करा इसके फिफ्थ सेल में, तो हम कह सकते हैं कि i-1 में भी है, i+1 में भी है, तो ith में आ जाएगा, राइट। तो इट मीन्स इफ देयर आर थ्री डॉट्स, मतलब देयर इज थ्री एम्प्टी स्पेस कंसिक्यूटिवली, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो तीनों हम पानी से भर सकते हैं, राइट। तो हमें जब हम तीन भरते हैं तो हमें कितने डालने पड़ रहे हैं, बस दो। जब कंसेक्यूटिव वे में तीन प्लेस करते हैं तो हमें दो ही हमें पानी डालना पड़ता है, तीसरे में ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे फिल कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई हमने इसे यहाँ पे मूव कर दिया तो हमारा ये भी फिल हो गया, ठीक है, राइट। तो हम मूव वाली ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि हमें उस पर कोई कंडीशन नहीं कि हमें उसे मिनिमम करना है, हमारे पास क्या है कि हमें प्लेस वाले को मिनिमम करना है। तो दिस वे में हमें जो है सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिक एबिलिटी हमारे पास कि जिसमें हम दो जगह वाटर डालेंगे और बीच में अगर डॉट है तो हम कह सकते हैं कि भाई हम वो तीनों फील्ड है, ठीक है। और तो इसमें कंडीशन क्या बनी, बेसिकली अगर हम सूडो कोड को समझें तो दो ही कंडीशन बनी, एक है अगर हमारा तीन कंसेक्यूटिव प्लेस पर हमारा वाटर है, ठीक है, और एक है कि हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो दो तीन ही कंडीशन है। तो हम जल्दी से इसे कोड करते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट करें, और नाम दे देते हैं यार अपने कवर द वॉटर डॉट सी हैश इंक्लूड। और यार गाइस अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप इस कोडिंग पार्ट को 2 मिनट रोकिए और पहले खुद कोड करके देखिए कि क्या आप सही कोड कर रहे हैं, एंड देन फिर आगे बढ़ना। तो हमने क्या ले लिया, हमने टी ले लिया, देन वी एड अवर सिमिलर वाई। आफ्टर दिस व्हाट वी आर नीडेड, बेसिकली वी नीड एन एन, तो सी एन एन, एंड ऑल्सो देर इज अ स्ट्रिंग एस, वी जस्ट टेक स्ट्रिंग एस। आफ्टर टेकिंग ऑल दीज व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट चेकिंग देन। So what we can do, we just take a loop, for loop, int i to int n, जो हमारा string की length है उस तक हमें क्या करना है, iterate करना है, and we have to find it. So first condition हमारी क्या है, first condition हमारी consecutive की। तो consecutive को हम कैसे कर सकते हैं, check is i-1 is dot and I is also dot and s of i plus 1 is also dot,
अगर ये तीनों कंडीशन होती है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई हमें सी आउट क्या करना है, हमें बस सी आउट करना है टू, ठीक है, और हम क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे यार, करेक्ट गाइस, राइट। एंड बट एक एज केस आ सकती है जिसमें हम हमें उसे भी हमें डील करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो एंड आई इज एन माइनस वन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अवर फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी हम क्या कह सकते हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कि इफ नो सच केसेस आर देयर, अगर ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट हैव टू एस ऑफ डॉट एंड ई प्लस प्लस, बट इन वॉट केस दिस ई प्लस प्लस हैव टू कम, सो वी जस्ट मेक अ वेरिएबल ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ वेरिएबल फॉर ई फॉर इटरेशन एंड ऑल्सो अ बूल वेरिएबल फॉर कंडीशन एज ट्रू, इफ इट वॉज हियर देन वी कैन से कि हम बूल को क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, एफ इज स्टिल ट्रू देन हम क्या करते हैं, हम सी आउट करेंगे ई को एंड एन लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो जल्दी से हम सेव करते हैं, इसे रन करते हैं, एरर देर नहीं, जल्दी से हम अपने टेस्ट केसेस डालते हैं, वॉट आर द टेस्ट केसेस, मैं तीन ही टेस्ट केस डालूंगा, लेट कंसिडर थ्री टेस्ट केसेस, वी पुट फर्स्ट इज अवर थ्री डॉट डॉट डॉट, इट्स टू, इट्स करेक्ट, देन इट्स अवर सेवन इन विच वी हैव हैश हैश डॉट 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 हैश, इट्स ऑल्सो टू, इट्स ऑल्सो करेक्ट, देन वी टेक अ टेन, इन टेन वॉट वी आर डूइंग हैश डॉट 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 हैश डॉट हैश डॉट डॉट हैश डॉट, इट्स ऑल्सो टू बिकॉज हियर वी प्लेस एंड हियर वी प्लेस, अगर क्योंकि तीन हो जाएंगी तो तीन पे तो फिर हमारा ये वाली चीज चली जाएगी, तो दो ही आना है, और जहां हमारे ये नहीं बनता है तो वहां हम सबको कंसेक्यूटिव वे में काउंट करेंगे। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से जाके इसे सबमिट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और हमारे साथ बने रहिए ज्ञान पोर्टल के साथ।